हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी है। बिल्कुल सटीक आंकड़ा सर, सीएम आपने बताया था कि 40 से 42 सीटें आएंगी। देखिए परिस्थिति हमको दिख रही थी, जैसे देश में और महाराष्ट्र में आदरणीय मोदी जी की सुनामी थी। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी जी ने कार्य किया है, इस देश के गरीबों के वो मसीहा बने हैं। देश के चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, इनके लिए मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो उनका जीवन सुधार रहे हैं। और इसलिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि हमको अच्छी जीत मिलेगी और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना रिपाई हमारी महायुति को लोगों ने फिर बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। सबसे पहला प्लानिंग में था कि शिवसेना के साथ अलायंस करना, उसमें आपका आपकी बड़ी भूमिका थी। क्या लगता है आगे चलकर भी ये अलायंस इसी मजबूती से महाराष्ट्र में काम करेगा? नहीं, निश्चित रूप से इसी मजबूती से अलायंस महाराष्ट्र में काम करेगा। हम विधानसभा का चुनाव भी साथ में लड़ेंगे और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में भी हम ऐसी अप्रत्याशित अभूतपूर्व इस प्रकार की जीत हासिल करेंगे। वंचित फैक्टर कितना चला हमारे साथ? वंचित फैक्टर कितना चला? देखिए आप तो देख ही रहे, अभी सारे चुनाव के आंकड़े आने के बाद उस पर बात होगी। सबसे पहले देश की करोड़ों जनता और अपनी झारखंड की करोड़ों जनता को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में एक मोदी जी के नेतृत्व में जो एक खुशहाल भारत, एक मजबूत भारत और एक सुरक्षित भारत के लिए जो 5 वर्ष में काम किए, उससे जनता पूरी तरह संतुष्ट थी। ये जनादेश यही बताती है। और सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ भी है। और सबका साथ इस जनादेश ने जो मोदी जी के विकास की जो नीतियाँ थी या फिर देश को सुरक्षित करने के लिए जो सरकार को निर्णय लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उससे देश की जनता ने मोदी सरकार पर गहरी आस्था व्यक्त करते हुए, उनका देश की करोड़ों जनता का भी एक ही एजेंडा था, देश की सुरक्षा और देश का विकास। चाहे कोई समाज का वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो जो रुझान आ रहे थे तो ये एक अंडर करंट, चाहे शहरी जनता हो, चाहे ग्रामीण जनता हो, चाहे गरीब जनता हो, चाहे सलम क्षेत्र में रहने वाले, मोदी जी पर एक विश्वास कि ये व्यक्ति ही देश के करोड़ों गरीब के लिए कुछ कर सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है, ये आस्था करोड़ों देश की जनता ने मोदी जी पर आस्था व्यक्त किया। और मैं मानता हूं कि ये एक चलती हुई सरकार को फिर दोबारा जनादेश देना एक बहुत बड़ी बात है और इतिहास में हमें लगता है कि ये एक इतिहास बनाने का काम। अच्छा सर, संथाल और बंगाल में भी एंट्री हुई जिसको जेएमएम का गढ़ माना जाता था, तो इसमें क्या देखते हैं? इसमें भी मोदी मैजिक है जो संथाल में आप लोगों ने रास्ता बनाया, क्योंकि जेएमएम का गढ़ माना जाता था और उसी रास्ते बंगाल भी हम जाते हैं, बंगाल में भी शानदार प्रदर्शन चल रहा है आप लोग। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार ये बंगाल हो चाहे संथाल हो, ये जो क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे ममता बनर्जी जी हो, इन लोगों ने एक संथाल समाज को वोट बैंक बना के बरसों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रखा, और उसी तरह ममता बनर्जी ने भी चीट फंड के माध्यम से करोड़ों जो गरीब हमारे बंगवासी हैं उनको पैसे का जिस तरह लूट हुई और उसको संरक्षण देने का काम सुश्री ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री कर रहे थे, इससे पश्चिम बंगाल की भी जनता दुखी थी। और मोदी जी ने जो एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया, तो मैं मानता हूँ ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए भी पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास प्रकट किया है।